मेरे पास काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि SEO कब करनी चाहिए और SEM कब करनी चाहिए। तो पहले तो मैं बताता हूँ SEO क्या होता है, सर्चिंग इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, और SEM क्या होता है, सर्चिंग इंजन मार्केटिंग होता है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं शॉपिफाई के साथ, देख रहे हैं कि शॉपिफाई के साथ लोग कह रहे हैं कि भाई आप SEM कर लें, लोग कह रहे हैं वर्डप्रेस के साथ आप SEO कर लें। लोग अपने बहुत सारे बिजनेसेस है, कोई अभी रिसेंटली शुरू कर रहे हैं बिजनेसेस। अच्छा SEM में क्या हो रहा है कि लोग जो है ना ड्रॉप शिपिंग के लिए ज़्यादा जो है ना वो मार्केटिंग कर रहे हैं कि भाई आप SEM कर रहे हैं ताकि जल्दी से आप ड्रॉप शिपिंग से पैसा कमा लें। ड्रॉप शिपिंग वाले जो है ना वो SEM को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपको बिजनेस स्ट्रेटजी समझाता हूँ। बिजनेस स्ट्रेटजी में क्या होता है, SEO भी होता है और SEM भी होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमें थोड़ा सा सोचना होता है। मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ, ठीक है। स्टोरी क्या है आज की मेरी, मैं एक गांव में गया हूँ, वहाँ पे सिर्फ 2 बंदे हैं, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। एक क्या है, बिल बोर्ड बनाता है, मार्केटिंग की बोर्ड बनाता है, उसके बाद लाइटिंग वगैरह होती है ताकि आपको बहुत ज्यादा किस्म के गाने वाने लगा के आपको वो डायरेक्ट मार्केटिंग स्टार्ट कर देता है। दूसरा क्या है, एक बहुत अच्छा फर्नीचर है, आर्किटेक्चर है, पूरा आपको ऑफिस बना के दे सकता है, पूरा सिस्टम बना के दे सकता है। तो मुझे पहले किससे काम कराना चाहिए? अगर मैं पहले ऑनलाइन काम नहीं करता तो मैं उसके लिए आसान डेफिनेशन बताता हूँ। मैं आपने देखा हुआ दूध वाला है, वो क्या करता है, एक दूध की दुकान खोलता है, गाने बजाता है, अजीब अजीब से गाने बजा रहा होता है और लाइटिंग लगाता है, बोर्ड लगाता है, अट्रैक्ट करता है, इतने पे इतना फ्री, ठीक है ना, और उसकी बिकना शुरू हो जाती है। अंडे वाला बर्गर ले लेते हैं, अंडे वाला बर्गर क्या करता है, बहुत सारा बड़ा सा बिल बोर्ड लगाता है, लाइटिंग वाइटिंग लगाता है, उसमें शशके लगाता है और अजीब अजीब से गाने लगाता है, डायरेक्ट मार्केटिंग करता है और बेचना शुरू कर देता है। कुछ लोग होता है कि एरिया के अंदर, जैसे स्कूल वाले हैं, वो एरिया के अंदर पॉम्पलेट वगैरह बांटते थे कि भाई एरिया में स्कूल खुला है, ये अपना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम करके, जैसे अगर अंडे वाले बर्गर की जगह हमने एक ब्रांड की बात करते हैं, वो क्या करेगा, पूरा ब्रांड स्टार्ट करने के लिए पूरी जगह लेगा, उसके ऊपर काम शुरू करेगा, ठीक है ना, कि पहले बिल बोर्ड भी बना रहा है, अंदर उसके बैठने की भी जगह बना रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ ऑफिस बना के बिल्कुल प्रॉपर ब्रांडिंग करके उसके अंदर पूरा सिस्टम बनाते हैं। यही SEO है और SEM होता है। SEM क्या होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग होता है। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, उसने गाने बजाए और शुरू कर दिया बेचना, और SEO क्या होता है, उसके अंदर प्रॉपर सिस्टम। हमें SEO कब करनी चाहिए, पहले मैं उससे आता हूँ। SEO आपको तब करनी चाहिए जब आपका पुराना ब्रांड हो, आपकी प्रोडक्ट चल चुकी है, तो आपको SEO करनी चाहिए। तो आपकी जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, तो आज उसको सबसे पहले आप रिमूव कर दें कि आपको SEO को सिर्फ आप समझे। पहले आपका पुराना ब्रांड है, आपकी प्रोडक्ट वेरीफाई है, लोग आपको जानते हैं, तो आपको SEO करनी चाहिए। मैं एक दूध की मिसाल से देता हूँ। एक दूध वाला, जैसे मैंने बताया था कि वो बिल बोर्ड लगाएगा और मार्केटिंग शुरू कर देगा, लेकिन अगर आपको एज अ ब्रांड स्टार्ट करना है, आपको मिल्क पैक बेचना है, तो आपको एक SEO करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको पूरी दुनिया में उसको पहुंचाना है। तो आप पूरी लाइटिंग लगा के, बिल बोर्ड लगा के पूरी दुनिया में नहीं जा सकते। तो SEO ऐसी चीज है कि कोई भी गूगल पे सर्च करेगा तो आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी। लेकिन अगर आपका दूध ही अच्छा नहीं है, आपका अंडे वाला बर्गर ही अच्छा नहीं है, आप कोई और भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वही अच्छी नहीं है, और आपने उसमें 6 महीने लगा दिया SEO में, आपको एक बात याद रखने की बहुत जरूरत होगी कि SEO में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आपको SEO में क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, 8-10 लोग हायर करना पड़ेगा, कॉन्टेंट राइटिंग कर रहा होगा, इमेज बना रहा होगा, तो ये सारे लोग के साथ काम करना होता है, आपका मैनेजर होता है, डेली पोस्टिंग होती है गूगल के ऊपर, आपको गूगल मैप पे सबमिट करना होता है, डेली के आर्टिकल डालना होता है। तो SEO में बहुत ज्यादा काम करना होता है। SEO किन लोगों के लिए है, इसको बस एक बात बैठाएंगे, आपका दूसरा मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। उन लोगों के लिए जिनकी प्रोडक्ट वेरीफाइड है, जो शॉपिफाई में जानते हैं कि मेरी प्रोडक्ट आज भी चलेगी, 10 साल बाद भी चलेगी, 25 साल बाद भी चलेगी, जिसका बिजनेस बाप दादा का चलता हुआ आ रहा है, वो तो डायरेक्ट SEO पे आ जाए, क्योंकि SEO का रिजल्ट आता है 6 महीने के अंदर। जो नए करने वाले हैं, जो ड्रॉप शिपिंग वाले हैं, वो करते हैं SEM, ठीक है। वो क्या करते हैं, पहले अपनी प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, फेसबुक मार्केटिंग करेंगे, टिकटॉक मार्केटिंग करेंगे, इंस्टा मार्केटिंग करेंगे, ठीक है ना। बाद में भी कोई मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म आते हैं सोशल मीडिया के, तो वो उससे मार्केटिंग करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई मेरी प्रोडक्ट बिक रही है या नहीं बिक रही। अगर उसकी प्रोडक्ट बिक रही है, 3 महीने की बिक गई, 4 महीने भी बिक गई, तो फिर वो SEO की तरफ मूव कर जाएंगे। मैं SEO को आपको डिटेल में समझा चुका हूँ कि हमने SEO में कब जाना है। ड्रॉप शिपिंग वाले क्यों करते हैं कि उनको फास्ट मनी चाहिए होता है। उन्होंने कोई प्रोडक्ट उठाई, $5 में प्रोडक्ट उठाई, $10 में बेच दी, निकल गए काम। ये शॉर्ट टर्म होता है। दूसरा एक और कीवर्ड मैं आपको दे देता हूँ SEO के लिए, SEO होता है लॉन्ग टर्म। आपकी आने वाली नस्लें भी जो है उस पर काम कर रही होती है और पैसा कमा रही होती है, आपका ब्रांड पूरी दुनिया में चलाता है। SEO होता है कि आपको कोई नहीं जानता, आपने काम किया, अंडे वाले बर्गर की तरह एक अंडे वाला बर्गर लगाया, आपने खुद काम किया, दूध वाले की तरह आपने खुद दूध बेचा और आप घर चले गए। तो मेरी तो अगर रिकमेंड ये होती है कि क्योंकि आप लोग बिजनेसमैन है, मेरे साथ जितने भी मेरी पॉडकास्ट मेरे साथ लोग हैं वो सारे के सारे बिजनेसमैन है, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ ये बिजनेस स्ट्रेटजी है, इसको याद रख लें कि अगर आपके पास पुरानी प्रोडक्ट है तो आप SEO में जाए, और आपको अगर अभी सिर्फ प्रोडक्ट सिर्फ वेरीफाई करानी हो, नई प्रोडक्ट है, आपको सिर्फ टेस्ट एंड ट्रायल कर रहा है, तो आपको SEM में जाने चाहिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। समझ नहीं आया SEO क्या होता है, SEM क्या होता है, मैं कमेंट में अवेलेबल हूँ, आप कमेंट करें, उसमें मेंशन करें, अपना सवाल लिखें, मैं उसका डिटेल में सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। सवाल अगर बहुत अच्छा हुआ तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।